इस वक्त बड़ी और अच्छी खबर, विजयदशमी पर भारत की शानदार जीत हुई है। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया है। चेन्नई वनडे भारतीय टीम ने अपने नाम कर लिया है। 5 मैचों की सीरीज में अब भारत और दक्षिण अफ्रीका 2-2 की बराबरी पर हैं। आपको बता दें कि अब तक 4 मैच हो चुके हैं भारत और साउथ अफ्रीका के बीच। 5 मैच की वनडे सीरीज होनी है, जिसमें 2 मैच साउथ अफ्रीका और 2 मैच भारत जीत चुका है। अगला जो मैच होगा वो बेहद रोमांचक होगा, क्योंकि जो अगला मैच जीतेगा वो वनडे सीरीज का हकदार होगा। दोनों ही टीमें अगले मैच में बेहद अच्छा प्रदर्शन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आज की बात करें तो भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया और भारत ने चेन्नई वनडे जीत लिया है। और आज की मैच के हीरो अगर विराट कोहली को कहा जाए तो गलत नहीं है। विराट कोहली ने 138 रन बनाए और अपने आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया। 35 रनों से भारतीय टीम ने यह जीत दर्ज की है। हालांकि एक वक्त पर जब एबी डिविलियर्स मैदान पर थे तो ऐसा लग रहा था मानो मैच भारत के हाथ से निकल सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने भी जोश दिखाया और भारत अब सीरीज में 2-2 की बराबरी पर है। यानी कि 2 मैच भारत ने और 2 मैच साउथ अफ्रीका ने जीते हैं। 5 मैचों की सीरीज में 2-2 मैच दोनों ही टीम जीत चुकी है। और जीत के बाद की कुछ तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। भारतीय टीम जीत के बाद बेहद खुश नजर आई। खुश इसलिए क्योंकि काफी आलोचनाएं भारत की हो रही थी कि T20 सीरीज भारत में ही भारत हार गई, और अगर वनडे सीरीज भारत में हार जाते हैं तो ये अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन भारतीय टीम के लिए होगा। खैर, इन सब बातों को दरकिनार करते हुए भारतीय टीम ने शानदार जीत दर्ज की है। 35 रनों से भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। आज विराट कोहली ने बेहद अच्छा प्रदर्शन किया। सुरेश रैना की बात करें, सुरेश रैना ने भी आज अर्धशतकीय पारी खेली। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विराट कोहली का साथ अजिंक्य रहाणे ने भी आज अच्छी तरह से निभाया। भले ही अजिंक्य रहाणे केवल 45 रन ही बना पाए हो, लेकिन उसके बाद भी अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, सुरेश रैना, इनके दम पर ही आज भारतीय टीम ने जीत दर्ज की है। लेकिन अगर हम गेंदबाजों की बात करें तो गेंदबाजों ने भी भारतीय टीम को जीत दिलाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।